नहीं यार वो उसकी खैर तेरी खैर। अच्छा एक मसला हो गया, स्क्रिप्ट मोबाइल में थी। चल खैर है, कैन स्टार्ट? हाँ हाँ करो करो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्माइल देव है और ये अथर रदा है जी। मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ H12 से, नर्स्ट मेन कैंपस से, और ये कर रहा है कंप्यूटर साइंस ही कर रहा है, और ये बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान कैंपस से कर रहा है। अच्छा सीन ये है कि हम दोनों हैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड से, हम दोनों पहले क्लास फेलोज थे कॉलेज में, बट इसने एक साल पहले ही कर लिया था मुझे, एक गैप लेने के बाद राह रास्त पे आया हूँ मैं, कंप्यूटर साइंस पे आया हूँ। सो मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर मेरे क्लियर हो गया, अभी छुट्टियों पे आया हूँ और इसके तीन सेमेस्टर ऑलमोस्ट थर्ड चल रहे थे। सो अच्छा अब सीन ये है कि हम स्टार्ट कहां से करते हैं, तैयारी से चले कर लेते हैं, ठीक है। प्री मेडिकल आपका बैकग्राउंड है, उसमें हमारे पास लाइक हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई एडिशनल मैथ्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सादा सादा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के साथ अगर आप हैं तो आपने एनईटी में अप्लाई करना है, और जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो उधर आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि आई एम प्री मेडिकल, जो एसएससी का पूछते हैं ना तो आप प्री मेडिकल वो लिखेंगे तो आपको वो मतलब कुछ ऑप्शन दे देंगे, आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं और मेन कैंपस के अंदर, और जो हमारे पास एनबीएस की कुछ फील्ड हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अलावा, और हमारे पास जो बाकी एससीएच की फील्ड हैं उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो है वीडियो का जो डोमेन है वो कंप्यूटर साइंस रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। मैंने दो एनईटीज दिए थे इस साल, एनईटी टू में मैंने 155 स्कोर किया था, और फिर उसके बाद मैंने एनईटी थ्री दिया था जिसमें मैंने 159 स्कोर किया था, और सिमिलरली इसने तो पिछले साल ही दे दिया था, तो इसने अराउंड अबाउट 130 ईच समथिंग स्कोर किया था, बगैर तैयारी के किया था, हमने दो क्लासे बंक की थी उसमें तैयारी की थी इसने और वही दे के चला गया था। सो इसका तो उसमें हो गया था इजिली बलूचिस्तान कैंपस में, और उसने ज्यादा सोचा भी नहीं, चला गया। मैं अलबत्ता मैंने क्योंकि इस साल दिया तो मैंने H12 का ही गोल रखा हुआ था, क्योंकि बलूचिस्तान मतलब बाकी तो उसमें हम आगे वो डिस्कस भी करेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे, बट डिस्टेंस का मेरे लिए तो इशू था कि बलूचिस्तान काफी दूर पड़ जाता है, इसलिए मैंने मेन कैंपस के लिए कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिक्योर हो गया था। तो तैयारी का क्या है कि आपने सबसे पहले ना मटेरियल की बात कर लेते हैं, तो जो आपके पास ओईटीपी की बुक होती है बिजनेस वाली, आप सबसे पहले तो बोले जो ब्लू और व्हाइट कलर की बुक है, मेजोरिटी आपको पता ही होगा ऑलरेडी उस बुक के बारे में, तो आपने वो बुक लेनी है, और ओईटीपी कैसे करें इंजीनियरिंग की बुक भी आप ले लें, ठीक है, जो हमारे पास जो डार्क ब्लू कलर की बुक है, ये दो बुक्स आपने ले ली, ठीक है। अब पांच सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और इंटेलिजेंस, ठीक है। इश्यू सबसे ज्यादा जो हम प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को होता है ना वो होता है मैथ्स का, कि लाइक मैथ्स कौन सी वाली आएगी, कहाँ से प्रिपेयर करें, तो उसका है कि एफएससी वाली मैथ्स आपने नहीं करनी, एफएससी वाली मैथ्स किसी भी सूरत आपके टेस्ट में नहीं आएगी अगर आपने प्री मेडिकल वाले टेस्ट में अप्लाई किया है। मैथ्स के लिए आपने क्या करना है कि आपने मैट्रिक की बुक्स जो आपकी 9th 10th में पढ़ी थी, मैं फेडरल से किया हुआ है तो मैंने फेडरल की बुक्स 9th और 10th की उठाई थी, आप मेरे ख्याल से पंजाब की उठा सकते हैं, उनमें कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है। तो आपने मैट्रिक की बुक्स उठानी है, अपने सारे चैप्टर्स जो मतलब एक तो एक्सरसाइज होता है ना, एक्सरसाइज से पहले जितना कुछ आपके पास होता है तो आपने वो सारा रीड करना है, उसमें जितने रूल्स हैं, लॉज हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, मुझे याद भी नहीं है, बट आपने वो सारी चीजें रीड करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए आपके पास, मैट्रिसेस हो गए, और जितने भी टॉपिक्स हैं सारे चैप्टर्स में मैट्रिक की बुक्स आपने थ्रू एंड थ्रू करनी है, उसमें से आपने कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो वहां से आपने कर लेनी है। प्रैक्टिस के लिए आपने फिर ओईटीपी बिजनेस पे आना है, उसमें आपने मतलब वो भी है डिफरेंट टॉपिक्स हैं और टॉपिक वाइज फिर एमसीक्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ टॉपिक्स एमसीक्यू ज्यादा हैं लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिनके थोड़े कम कम हैं, तो आपने सबसे पहले तो मतलब उनके टाइप रटना आपने कुछ नहीं है, बट जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना ओईटीपी बिजनेस में आपके पास वो सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। आपने उसमें से कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो वहां पर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कवर नहीं हुए लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए आपने फिर ऑनलाइन भी आपको वैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, वो कुछ ग्रुप्स के लिंक्स आपके पास डिस्क्रिप्शन में भी शेयर हुए होंगे, आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन करने तो वहां से आपको मटीरियल मिल जाएगा, कुछ पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास किप्स क्वांटिटेटिव है और इस तरह की और बुक्स हैं, वहां से भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैथ्स का आई गेस इसी तरह आपने तैयारी करनी है। जो आपके पास फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने जिस तरह आपने एमकैट के लिए तैयारी की है या जिस तरह आपने बाकी उसके लिए एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी की है ना, सेम उसी तरह आपने एफएससी की बुक्स पढ़नी है, फिर जो हमारे पास इंजीनियरिंग की बुक है ना ओईटीपी वाली, आपने वहां से उसके केमिस्ट्री के और फिजिक्स के एमसीक्यू तो आपने वहां से अटेम्प्ट करने हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ये हो जाएगा उसमें लाइक सेम एमकैट वाला तरीका है, कुछ डिफरेंट नहीं है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। फिर हमारे पास बच गए जी इंटेलिजेंस और इंग्लिश। इंटेलिजेंस आपने टोटली यूट्यूब से सीखना है, आप ओईटीपी जो आपके पास बिजनेस वाली बुक है आप उसमें से जाएं, आप टॉपिक देखें कि अच्छा ये टॉपिक का नाम है, सर्च इट अप ऑन यूट्यूब और वहां से आप दो चार वीडियोस देखें, उस वीडियोस में एग्जांपल्स होती हैं, पॉज करके आप उन एग्जांपल्स को सॉल्व करें, ठीक है। और इस तरह इंटेलिजेंस में आपने टोटली प्रैक्टिस करनी है, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है और यूट्यूब से सीखना है, और ओईटीपी की जो अपने उसके अंदर एमसीक्यूज हैं वो भी आप देख लीजिएगा। पीछे बचता है इंग्लिश, उसमें कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फालतू होता है उसमें तैयारी, आप जितनी भी तैयारी कर लें आपकी तैयार कभी होनी नहीं है इंग्लिश, ठीक है। सो उसमें मतलब कुछ दुआएं कुछ तुक्के वगैरह वैसे ही आपके नंबर आने हैं, और 20 नंबर होते हैं ना, 20 होते हैं तो उसमें आ जाते हैं यार 12-13-14 आ जाते हैं, अगर आपने नेटफ्लिक्स देखा है ना, मूवीज देखते आते हो बचपन से, तो नंबर आ जाएंगे आपके इंग्लिश में। तैयारी हमारे पास हो गई है बुक्स की। अच्छा बता गेम क्या है, ये मेरे लिए भी था, तैयारी बहुत जरूरी है, आप तैयारी नहीं करते ना तो फिर आपका एडमिशन होने वाला नहीं है ऐसे, लेकिन सिर्फ तैयारी से भी आपका एडमिशन नहीं होगा। मैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दिए हैं और अभी वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में माशाल्लाह कॉमसेट वगैरह में, बट यह है कि वो नहीं आ पाते, और उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो लोग कहते हैं कि हम एक ही एनईटी देंगे और उसमें हमारा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, सिवाय कुछ केसेस के इसका हो गया था पता नहीं कैसे, लेकिन नहीं होता नॉर्मली। तो आपने वो एनईटीज पहले तीन होते थे, अब आई गेस चार हो गए, तो वो किया ही इन्होंने इसीलिए है कि आप मतलब एक बार दें तो आप सीखें कि लाइक ये टेस्ट है क्या, ठीक है, दूसरी बार दें थोड़ी तैयारी के साथ जाएं, फिर तीसरी बार में आप उसको एस कर ही देंगे, अगर आप तीन टेस्ट दिए हैं ना और प्रॉपर तैयारी के साथ सीरियस होकर दिए तो फिर इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको नंबर तकरीबन राउंड अबाउट 155 प्लस रखें, क्योंकि हर साल मेरिट ऊपर जा रहे हैं, तो 155 की रेंज अपने रखें, टारगेट रखें अपने लिए। अच्छा आप उसको अटेम्प्ट मैंने किस तरह अटेम्प्ट किया था, मैं क्या करता था कि मैं स्टार्ट करता था मैथ से, ठीक है, उसके कितने एमसीक्यू होते थे, 80 एमसीक्यू होते थे मैथ्स के, फिर हमारे पास होते थे 60 फिजिक्स के, 30 एंड 20-10 है ना इंग्लिश और इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करता था मैथ्स, अब वैसे तो अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास कुछ 40 सेकंड होते हैं हर एमसीक्यू के लिए। मैथ्स के लिए मैं कभी अपने लिए 40 सेकंड नहीं रखे, मैंने हमेशा कहा कि मैं एक मिनट 10 सेकंड दूंगा, लेकिन उसमें ये क्या होता है कि आप सवाल को देखते हैं ना पहले, तो या तो ऐसा सवाल होता है कि आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कि पता नहीं आया कहां से आई है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना होता है ना, आपने एक बार सवाल को पढ़ा, आपने दूसरी बार पढ़ा, बिल्कुल समझ नहीं आई कि कहां से है, और ऐसे सवाल आते भी हैं, तैयारी पूरी भी कर लें फिर भी ऐसे सवाल आएंगे, तो आपके पास जो है ना नस्ट के टेस्ट में एक ऑप्शन होता है रिव्यू का, तो आपने क्या करना है अपने, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने ऑप्शन को, तो आपने क्या करना है कि रैंडमली कोई भी, लाइक जब आपको नहीं आता कुछ भी, तो आपने रैंडमली कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना है, उसको आपने रिव्यू में डाल के आपने नेक्स्ट पे चले जाना है, ठीक है। तो इस तरह करके, और जो एमसीक्यू तो आपको आ रहे हैं ना कि ठीक है आपको लग रहा है कि यार काफी लंबा है बट आपको आता है, तो उसके लिए आपने बस सिंपली वो कर देना है कि मतलब उसमें आपने अप्लाई उसको सॉल्व करें बैठ जाना, बेशक आपको 1 मिनट 10 सेकंड लगे, 1 मिनट 20 सेकंड लगे, जितने भी लगे, तो आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना है और टाइम की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो इस तरह करके लाइक अगर एटीएम से क्यों ना, तो अगर आपको आई गेस 100 मिनट्स भी लगे ना मैथ्स के लिए तो इट्स नॉट एन इशू। अच्छा इसके बाद जो है ना फिजिक्स पे आपने आना है, अब फिजिक्स पे भी या तो आप मतलब आपको अगर आता है ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है थोड़ा सा लंबा है बट मुझे समझ आ गई करना कैसा है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करो, 40 सेकंड ज्यादा लगने कोई इशू नहीं है, बट बहुत ज्यादा टाइम जितना आपने मैथ्स के लिए टाइम दिया था ना उससे थोड़ा सा कम टाइम आपने देना है फिजिक्स को, और इसमें अपने तुक्के लगाने हैं, ठीक है, नहीं आ रही समझना, तो फिर जब नहीं आ रही होते ना तो उस पर फिर टाइम वेस्ट करने की जो है ना वो आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हो, टाइम मैनेजमेंट जो है ना एनईटी में बहुत जरूरी है। तो आपने नहीं आता तो आप बस उसको कुछ भी लगा दो, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि यार व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल, लाइक कुछ होते हैं ना लॉजिकली, आपने इन चीजों को भी देखना होता है, लाइक आपको पता है कि लॉजिकली जो है ना इसका आंसर जो गिवन ऑप्शन है इससे ज्यादा ही होगा, लाइक क्योंकि कोई इंक्रीमेंट आ रहा है किसी चीज में, आप नीचे ऑप्शन में देखो कि वो तीन जो ऑप्शन है वो डिक्रीमेंट के एक ही है जिसमें इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो इंक्रीज वाला ऑप्शन है वही, उसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह के जो कुछ एमसीक्यू आते हैं जिसमें फिर आपने टाइम सेविंग करनी होती है, इसमें फिर अगर 40 की जगह अगर आपने पिछले पे 1 मिनट लगाया ना तो आप इसको 30 सेकंड में या 25 सेकंड में कर लोगे, तो इस तरह आपने इसको कैलकुलेट करना होता है। फिजिक्स भी हो गई, अब केमिस्ट्री पोर्शन यस बहुत इजी होता है, एमकैट से बहुत ही इजी होगा इसका केमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है, सो उसमें भी आपने मैक्सिमम टाइम सेविंग करनी है। अब इंग्लिश पे जो है ना, अब ये इंग्लिश पे बहुत से लोग जो है ना मार खा जाते हैं। देखिए इंग्लिश का एमसीक्यू है आपके पास सामने आया, सिनोनिम एनीथिंग, अब आपको ये आता है या नहीं आता,
ठीक है, आता है फौरन टिक मारो और आगे जाओ, ठीक है ना, उसमें को आपको टाइम वेस्ट करने की नहीं आता, तो जस्ट जो पहला लग रहा है ना कि यार ये हो सकता है, इसको करो टिक और फिर नेक्स्ट पे जाओ। इंग्लिश में अपने मैक्सिमम टाइम सेव करने, मतलब 20 सेकंड से ज्यादा तो आपने किसी पैराफ्रेज वाले के अलावा, कुछ होते हैं जिसमें आपने पैराग्राफ रीड करके नीचे आंसर होना है, उनके अलावा अपने किसी भी क्वेश्चन पे मोर देन 20 सेकंड 15 सेकंड नहीं लगाने, इसमें अपने मैक्सिमम टाइम सेविंग करनी होती है। पीछे बचता है हमारे पास इंटेलिजेंस। यार अजान हो रही है। अच्छा तो अब हमारे पास बचता है जी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में आपके पास 10 MCQs होते हैं, ठीक है, अब उसमें कुछ MCQs हैं हलवा, इंतहाई इजी, उसमें कुछ मुश्किल होता ही नहीं है आपके पास, ठीक है, लेकिन कुछ हैं जिस तरह वो एक व्हील हो गई, ठीक है, उसके अंदर कुछ सीक्वेंस वाले होते हैं, सीक्वेंस वाले बहुत इजी होते हैं, लेकिन होते हैं उसमें कुछ डब्बे बने होते हैं या कोई व्हील बनी हुई होती है, उसमें आपने वो मिसिंग नंबर को फिल करना होता है, अब ऐसे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं और काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। तो इसमें मैं क्या करता था कि 10 MCQs होते थे ना, दस होते थे, डायरेक्शन वगैरह होती थी, कोडिंग डिकोडिंग, हाँ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग मुफ्त के नंबर है यार, उधर उसमें आपने मिस कर दिया, लूज कर दिया ना मार्क्स, तो फिर आप ये वाला कट कर देना, ठीक है। अच्छा हाँ, कोडिंग डिकोडिंग होती है यार, और वो बहुत ईजी है, ठीक है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वो प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, यूट्यूब से आप देखोगे वीडियोस तो उसमें वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, 10 सेकंड के क्वेश्चन है, मुफ्त के नंबर है। जो सीक्वेंस वाले हमारे पास होते हैं ना, उसमें आपको टाइम लगेगा और सोचना है, तो आप सिर्फ 10 MCQs है ना, और आपने मूव फॉरवर्ड और मूव बैकवर्ड वाला ऑप्शन भी होता है आपके पास, तो आपने क्या करना है कि सवाल देखो, अच्छा समझ आ गई, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आगे जाओ, ठीक है, सारे 10 के 10 सॉल्व करो, पीछे अगर आपने कुछ 3 या 4 ऐसे होंगे जो मुश्किल होंगे, आपको समझ नहीं आ रही ना, जब सवाल की समझ नहीं आ रही होती ना यार एनी टीम में, तो बस 10 सेकंड के बाद नेक्स्ट पे जाओ, ठीक है, तुक्का लगाओ और नेक्स्ट पे जाओ। तो उसमें फिर ये है कि अब आपने इंटेलिजेंस वाले भी हो गए, ठीक है, थोड़ा सा पीछे आ जाना, सोचना है अगर टाइम है आपके पास तो उसमें सोच लेना, लेकिन कोई भी क्वेश्चन बगैर अटेम्प्ट किए, ये मैं सब पोर्शन में कह रहा हूं, बगैर सॉल्व किए ना कोई भी आपने नेक्स्ट नहीं करना, आपने सबको अटेम्प्ट करना है, रिव्यू में डालना है, सेव करना है और फिर आगे जाना है, ठीक है, नहीं भी आता ना फिर भी आपने अटेम्प्ट करना है, रिव्यू में डालना है और सेव करना है। अब हो गया 200 के 200 MCQs, मेरे पास तो नॉर्मली 15 मिनट बच जाते थे या 10 मिनट बच जाते थे, ठीक है, आप वो फिर उस पर आएगी, लाइक जाहिर है एक एनईटी आप शायद दिया हो या आपने अभी बिल्कुल भी ना दिया हो, आपका पहला एनईटी हो तो खैर है, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट मसला हुआ पहले अटेम्प्ट में होता है, इसीलिए आप दो तो एटलीस्ट सब देना यार, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि वो नीचे ऑप्शन होती है उसमें सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, तो फिर आपके होते हैं उसमें ऑल बाय डिफॉल्ट ऑल सेलेक्ट हुआ होता है, उसमें फिर आपने रिव्यूड में जाना है, वह आप रिव्यू वाले उसको जाएंगे ना, तो फिर आपके पास सिर्फ वो वाले क्वेश्चन आएंगे जिनको आपने रिव्यू में डाला हुआ होगा, और ऊपर एक और वो भी काउंटर भी लिखा होता है, उसमें होते हैं अटेम्प्टेड MCQs ना, वो मैं कह रहा हूँ ना, आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं, नहीं भी आता फिर भी आपने उसको अटेम्प्ट करना है रिव्यू में डालना है, तो उस केस में जब आप सारे MCQs कर लेना तो 200 out of 200 लिखा हुआ होगा, तो फिर आपने सिर्फ रिव्यू वाले में जाना है, और अब आपके पास 10-15 मिनट है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आप सारे सॉल्व एक बार कर चुके हैं, मैक्सिमम नंबर जो आपने लेने हैं वो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो फिर आपने उन्हें रिव्यू वालों पे अगर आपने सोचना है कुछ डिफरेंट तरीके से, पहले आपने कुछ और सोचा था, थोड़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ उसको देखना है उस MCQ को, तो वो चीजें आप देख लेते हैं, तो इस तरह करके आपका अटेम्प्ट हो जाना है, ये आपका अटेम्प्ट करने का तरीका है। लेकिन जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ना एनी टीम में, वो ये है कि आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी होती है, आपने बिल्कुल जो है ना चिल होके रहना, वो गेट 4 के बाहर है, खोखा है, वहां से स्ट्रिंग उठाएं, जूस उठाएं, ठीक है ना, वो पीसी के जाएं, चाय शाय पिए, फिर आप एग्जाम हॉल में एंटर हो बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ, ठीक है ना, 4 अटेम्प्ट्स हैं कोई, और ऐसे भी नहीं कोई बहुत ही कोई MIT लेवल की यूनिवर्सिटी है यार, अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट वो कुछ हो नहीं जाएगा अगर आप उसकी जगह कहीं और चले गए ना, देख अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ठीक है, तो जब अपने सर पे चढ़ाए तो कहीं जाना है तो बस नष्ट ही जाना है, इसी भी बंदा बड़ा खराब हो जाता है, तो अपने नर्वस बिल्कुल नहीं होना, ठंडे दिमाग के साथ जो है ना अटेम्प्ट करना है, टेंशन लेनी है यार, बाहर जब खड़े होते ना, बाहर जब चेकिंग हो रही होती है तो अगलों को टेंशन दो, हाँ अगलों को टेंशन दो, टेंशन नहीं, अजीब अजीब फॉर्मूले पूछो लोगों से, ठीक है ना, तो हाँ इस तरह करके बिल्कुल अपने चिल होके जाना है हॉल में, और 3 घंटे हैं मोर देन इनफ है, मैक्सिमम टाइम सेविंग मैंने आपको कहा है करनी है जहां कर सकते हैं, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि इसमें टाइम लग रहा है MCQ पे तो उस पर टाइम लगाओ, भी नहीं आता तो बिल्कुल आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, अटेम्प्ट भी हो गया, तैयारी भी हो गई,
हाँ चलो सपोज हो गया सब कुछ, दो दिन बाद या अगले दिन पता नहीं रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आ गया ठीक है ना जी, आपका आपने ले लिए 155, बहुत मुबारक हो जी, रजिस्टर एप्लीकेशन क्या कहते हैं वो ज्वाइनिंग लेटर आ गया आपका, ठीक है पैसे शैसे भर दिए, हर चीज हॉस्टल में अप्लाई कर दिया है, रिश्तेदारों को भी बता दिया जी, हॉस्टल में अप्लाई कर दिया, हॉस्टल भी आपको मिल गया। हॉस्टल का क्या हिसाब है, वो मेरिट का कोई हिसाब होता है? हाँ उसमें मेरिट का होता है, और एक मेरिट का होता है और दूसरा डिस्टेंस का भी होता है, कि लाइक अगर एक बंदा कहीं करीबी इलाके से अप्लाई कर रहा है ना तो उसको उसकी प्रेफरेंस लो है एज कम्पेयर टू अगर हम जैसे हैं कोई लाहौर से अप्लाई कर रहा है, मुल्तान से कर रहा है, मियांवाली से कर रहा है, इस तरह के जो होते हैं ना तो उनको प्रेफरेंस में ऊपर रखते हैं। लेकिन मिल जाता है यार, अगर आपके एडमिशन हो गया है ना आपका तो हॉस्टल आपको मिल जाएगा, हॉस्टल में इशू नहीं होता, कब बहुत हॉस्टल था इनके पास। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा हाँ, प्री मेडिकल हो, एडमिशन हो गया, अब आगे हो, ठीक है ना, स्टडी स्टार्ट हो गई, स्टडीज आपकी स्टार्ट हो गई है। मैथ्स का बल्कि एक बहुत मसला होता है कि यार आ तो गए हैं अब मैथ्स का, हमने तो ऐसे थी मैथ्स नहीं पढ़ी हुई तो अब हम क्या करेंगे, तो उसमें ये होता है कि आपने जो है ना पहले सेमेस्टर में आप जब बाकी है ना आपके आईसीएस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं कैलकुलस वन और डिस्क्रीट, बाकी सब्जेक्ट आपके सिमिलर होते हैं ठीक है, लेकिन वो पढ़ते हैं कैलकुलस और डिस्क्रीट मैथ्स में। आप कैलकुलस और डिस्क्रीट फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ते, आप उसकी जगह पढ़ते हो प्री मैथ्स वन और प्री मैथ्स टू। अभी प्री मैथ्स वन प्री मैथ्स टू क्या है, प्री मैथ्स वन है फर्स्ट ईयर की मैथ्स, प्री मैथ्स टू है सेकंड ईयर की मैथ्स। प्री मैथ्स वन में आप पंजाब, हमें तो पंजाब की बुक पढ़ाते थे, तुम लोगों की पंजाब नहीं, हमारा बस कोर्स डिफाइंड होता था, बाकी बस उसी कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, कोई किताब नहीं थी, बुक कोई भी नहीं थी, बस प्रेजेंटेशन से स्लाइड से इन्हीं चीजों से। अच्छा अच्छा, नहीं बुक जो मर्जी यूज कर लो, बस टॉपिक्स होते हैं और उन्हीं टॉपिक्स को कवर करना। अच्छा नहीं ये सही, हमारा ये होता था कि हमें मतलब टॉपिक्स ही होते थे बट वो टॉपिक सारे जो है ना उन्होंने पंजाब बोर्ड की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक होती थी, अच्छा प्री मैथ्स वन की टेक्स्ट बुक हमारे पास पंजाब बोर्ड फर्स्ट ईयर की बुक थी, प्री मैथ्स टू की टेक्स्ट बुक हमारी पंजाब बोर्ड सेकंड ईयर की बुक थी। अब फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को दो को छोड़ के और जो हमारे पास वो है ना सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के पहले छह चैप्टर्स चैप्टर फाइव को छोड़ के 1, 2, 3, 4 और 6 ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास वो है फर्स्ट ईयर है वो तकरीबन सारी थी यार, मुझे अभी देख रहा हूँ बट मुझे याद नहीं है कौन कौन सब हालात दिए हैं हमारे, ठीक है मैं ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरी पूरी बुक्स हैं और वो आपने चार महीने के अंदर, सेमेस्टर छह महीने का नहीं होता, सेमेस्टर होता है चार महीने का, दो महीने छुट्टियां, हाँ दो महीने छुट्टियां, दूसरी एक्टिविटीज ऐसी, ठीक है ना, तो चार महीने का आपका सेमेस्टर है, उसमें आपने दोनों साल की मैथ्स 80-80% कवर करनी है, और जो जो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना वो रिलेटिव होता है कि जो क्लास परफॉर्म कर रही है ना उसी हिसाब से फिर आपकी ग्रेड्स लगते हैं, लेकिन जो मैथ्स है ना प्री मैथ्स वन और प्री मैथ्स टू ये आपका एब्सोल्यूट है, इसमें आपने हर हाल में 60% नंबर लेने हैं, अगर आपने नंबर नहीं लिए ना तो जिस घर से आए थे उसी घर पे वापस जाओगे, ठीक है वो ऑप्शन नहीं देते, ये आपकी असल में डिग्री की रिक्वायरमेंट है ना, हाँ। कि बाकी लोग जो भी कर रहे हैं जिन्होंने प्रीमेड वाले भी हैं जिन्होंने एफएससी में किया वो एडिशनल मैथ्स देके आते हैं, हाँ। लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो हमारा ये सीन होता है कि डिग्री की हमारी रिक्वायरमेंट है, प्री मैथ्स वन और प्री मैथ्स टू पहले ईयर के अंदर आपको पास करना होता है 60% मार्क्स लेके, वरना वही वाली बात है जिस दरवाजे से आए उसी से वापस, ठीक है तो अब इसको यार पास हो जाता है, मैं तो बताऊं हमारी इतना मुश्किल नहीं होता, हमारी क्लास में लेकिन हम ऑलमोस्ट मेन कैंपस में ना 28 प्रीमेड्स थे, उसमें से 20 तो कर ही गए हैं पास, ठीक है तो मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही हलवा है, मुश्किल है बट हो जाता है। अब यूनिवर्सिटी में जो है ना आपने करना क्या है कि आपने रोज रोज पढ़ना है, ठीक है आपने रोजाना उसको कवर करना है, ठीक है कुछ वीकडेज मिस भी हो रहे हो तो वीकेंड तक जो है ना आपने एटलीस्ट जितना आपने पढ़ा हुआ है ना और पीछे का तो वो मेन सब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, बट आइडिया हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है तो प्रैक्टिस आपने बहुत ज्यादा करनी है, आपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है लेकिन मैथ्स के लिए टाइम निकालना पड़ता है, और ये मुश्किल काम भी है, जाहिर शुरू में समझ नहीं आ रही थी, टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेमेस्टर समझ आ गई थी कि अच्छा क्या करना है, फिर थोड़ा लेट भी हो गए थे बट मेरा मतलब पढ़ा था और मेरा जो मैथ्स वन है वो अब रिजल्ट आ गया मेरा और बिल्कुल वर्ष पे पास है, 60 पासिंग है, 62 लिए हैं, मैथ्स टू इजीली पास हो गया है, वो उसकी रीजन ये है कि मैथ्स वन को जरा मैंने हल्का लिया हुआ था, मैथ्स टू पे जरा मैं मेहनत ज्यादा कर रहा था तो उसमें आगे थे, तू भी इजी पास था या वर्ष पास था? आराम से हो गया था, आराम से हो गया। अच्छा, बलोचिस्तान में आसानी से आसान पेपर बनाते हैं, मेन कैंपस में बड़ा मुश्किल हमारे बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत टफ पेपर होता है, मेन कैंपस में बहुत मुश्किल पेपर बनाते हैं, नहीं होता इतना इजीली क्लियर यार, हमारा असल में पहला बैच था इस वजह से मैं थोड़ा एडवांटेज था उस चीज का। चलो हाँ तो अच्छा अब ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर,
लेकिन अब आप दो सब्जेक्ट्स पीछे हैं बाकी बाकी अपने बैच फेलो से अपने बाकी सेक्शन वालों से, ठीक है ना, प्री मेडिकल वालों को एक ही सेक्शन बिठाते हैं. तो अब क्या है कि जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा ना तो उसमें आपने कैलकुलस वन पढ़ना है, बाकी सब पढ़ेंगे कैलकुलस टू, आप पढ़ेंगे कैलकुलस वन और बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके सेम होंगे, ठीक है. तो कैलकुलस वन आपका इधर से कवर हो जाएगा. अब सेकंड सेमेस्टर भी जब हो जाए ना तो फिर आपका आता है समर वेकेशन आते हैं, सब घर चले जाएंगे, सिर्फ आप जो है ना आपको कैंपस में रुकना पड़ेगा, हफ्ता छुट्टियां देंगे, उसके बाद आपको वापस बुला लेंगे, फिर उसको समर कैंप लगेगा आपका और उसमें आपने उन दो महीनों का समर कैंप होता है दो, हाँ, तो उसमें आपने फिर कैलकुलस टू जो कि वो लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं लेकिन आपने नहीं पढ़ा, और डिस्क्रीट मैथ्स जो कि बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं लेकिन आपने नहीं पढ़ा, ये दो कोर्सेज आपने उन दो महीनों में सिर्फ ये दो कोर्सेज आपने पढ़ने होंगे और फिर इनको आपने क्लियर करना है और बस फिर इस तरह आपका थर्ड सेमेस्टर से अगर आपकी ये सब कुछ क्लियर हो गया तो फिर आप बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, आपका CGPA भी पूरा पूरा आ जाएगा और बस फिर आप थर्ड सेमेस्टर से यू आर अ नॉर्मल CS स्टूडेंट, फिर वो प्री मेडिकल ICS प्री इंजीनियरिंग सारे बराबर हो जाएंगे. तो सारा ये सीन है. सो मैनेजेबल है बट यार प्री मेडिकल के लिए मुश्किल होती है, ठीक है. मैथ्स इतना इजी नहीं है क्योंकि जब हम मैं अपने अपने हॉस्टल की बात करूं तो सॉफ्टवेयर वाले या कंप्यूटर साइंस के जो बाकी हैं वो जैमिंग कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, चिलिंग कर रहे हैं, लेकिन हम जो कुछ हैं मेरे साथ हॉस्टल में कुछ मेरे क्लास फेलोज हैं सेक्शन के हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है एक्चुअली. लाइक वो मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं की होती, हमने दो साल कुछ भी नहीं देखा हुआ होता, और जाहिर है ये कंप्यूटर साइंस जो है ना वो मेजर है मैथ्स में, बहुत ज्यादा मैथ्स है इसके अंदर, मैथ्स की डिग्री समझे आप इसको. तो वो आपने वो करना होता है तो जाहिर है मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब इतना बड़ा स्विच लिया है और हमें इन्होंने टेस्ट में भी लाइक हमें एग्री करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा आसानी दे देते हैं क्योंकि मैथ्स जब आपका NET इतना ईजी आ जाए तो उसके लिए आप कुछ तो कवर अप करने के लिए आपने मुश्किल फेस करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है. तो वो यही है कि आपने फिर मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम देना है, एक्स्ट्रा आवर्स देने, तभी आपका ये क्लियर होता है सब. बहुत इजी नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मुश्किल है क्लियर करना, ठीक है, हो जाता है, लेकिन हो जाता है, हो जाएगा, ठीक है. अच्छा सपोज अच्छा आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, आपके नंबर भी आ गए, अब आप घर में है और महीना डेढ़ महीना चिल कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो उसमें आपने चिल नहीं करना. ये गलती हमने की थी, आपने नहीं करनी. तो अब उसमें मैथ्स करनी चाहिए या उसमें कोडिंग करनी चाहिए, तो क्या कहते हैं यार? दोनों चीजें साथ साथ करनी चाहिए. कोडिंग की बेसिक्स क्लियर करनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इशू आता है बाद में. कोडिंग की बेसिक्स क्लियर कर लो एक दफा, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लो, आगे इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी. उसके अलावा मैथ्स पढ़ते रहो यार, FSC की मैथ्स करते रहो, इंटीग्रेशन वगैरह करते रहो. प्री मैथ्स में ही, प्री मैथ्स टू में ज्यादा इशू आता है, प्री मैथ्स वन में इशू नहीं आता. वन में इशू नहीं आता, मैं बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बॉर्डर पे पास हुआ था, बट उसमें मैंने जरा पढ़ा भी नहीं था ना, सीधी सीधी बात है, ठीक है. मैंने प्रीमास टू के लिए बहुत जरा पढ़ा था. तो आप भी अगर आने से पहले जो आपके पंजाब बोर्ड की पहले तीन चैप्टर थे ना, जो फंक्शन वगैरह हैं बेसिक्स, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन है, नहीं डिफरेंशिएशन है, उसके बाद इंटीग्रेशन है. कॉनिक्स भी थे मेरे पास लेकिन कॉनिक्स मैंने नहीं पढ़े थे. अब जाहिर है 60% चाहिए होता है ना, तो आप थोड़ा सा वो कर लेते हो उसको, थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करके. बाकी सारे अगर आप पक्के कर लो तो आप एक चैप्टर छोड़ भी देते हो, उसमें होपफुली कुछ मसला नहीं होता. ज़रा कॉनिक्स मैंने नहीं पढ़े थे. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जरूर करके आओ यार आने से पहले, ठीक है ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है. बिल्कुल. और मैं बता रहा हूँ ना, मैं क्लास में नहीं, मैं मैम से नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ता था इल्म की दुनिया पे, एक प्रोफेसर है, क्या नाम है उसका, जो नाम नहीं आता लेकिन उसी से पढ़ा है मैंने सारे, ठीक है. इल्म की दुनिया सेकंड ईयर जो मैथ्स जो इंस्ट्रक्टर पढ़ाता है ना, बहुत कमाल पढ़ाता है, उसी से पढ़ो सारा और प्रैक्टिस करो. और दूसरा, आने से पहले जो है ना कोडिंग की भी कुछ ना कुछ कोड में धैर्य से सीखना है, या यूट्यूब पे ना कोई करके क्रैश कोर्स, नहीं प्रॉपर कोर्स स्टार्ट कर लो कोई भी, यूट्यूब से फ्री खरीदने की कुछ जरूरत नहीं है. और कुछ लूप्स हैं और फॉर लूप्स हैं और वो डायमंड किस तरह बनाते हैं और वो इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो चीजें सीख कराओ आने से पहले, कुछ बेसिक्स, हाँ आपको बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है. बाकी कोडिंग आपको बिल्कुल हर चीज आपको जीरो से सिखाते हैं, लेकिन ये कि आपने अपनी एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है. ये भी हो गया. अच्छा अब कैंपस की जरा हम बात कर लेते हैं. हाँ अच्छा, अब कैंपस जो है ना, नस्ट नस्ट का क्या सीन है कि लाइक आप देखें, अब सैमसंग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है और वो है ना. अच्छा आपने देखा होगा ना, वो एक निकालते हैं S20 Ultra, ठीक है ना, उनका मैं दो साल पुराना आई हूँ बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. S20 Ultra इज लाइक प्रीमियम शिट, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त टॉप ऑफ द लाइन चीज है, ठीक है. और एक आता है उनका कुछ महीने बाद S20 FE, S20 लाइट जो होता है ना. अब ये वाला है कोई 3.5-3 लाख का, ये है कोई 80-85 हजार रुपए का, काम दोनों कर लेते हैं, लेकिन क्लास इसकी है. तो ये मेन कैंपस है, ये बलोचिस्तान कैंपस है. ओए, क्लास नहीं काम 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 जो है ना, काम दोनों कर लेते हैं.
सो अच्छा अब सपोज आपने तीनों बार कोशिश की, अब जाहिर है कुछ डेस्टिनी भी होती है, लक भी होता है, आप नहीं स्कोर कर पाए 155 फॉर एनी रीजन, ठीक है. अब आपके आगे हैं 140 142, ठीक है. सो विच इज ऑल्सो ग्रेट स्कोर बाय द वे, और मतलब नस्ट नस्ट है, ठीक है. तो अब सपोज किसी का एडमिशन नहीं होता मेन कैंपस में, देखो खुदा ना खास्ता एडमिशन नहीं होता मेन कैंपस में, जिंदगी खत्म नहीं होती. हाँ, आप तो ठीक है, तो बात ये है मेन कैंपस में जिंदगी आपकी नहीं खत्म होती. असल में ये जब आप जाते हो ना नस्ट के अंदर, तो वैसी थोड़ी सी अकड़ इंसान के अंदर वैसी आ जाती है. अच्छा, बाकी बात ये कि इस्माइल की थोड़ी सी मैं करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है. नस्ट नस्ट होती है, बाकी नाम के पीछे हो इंशाल्लाह कभी नस्ट से मायूस नहीं हो गया, बिल्कुल भी नहीं हो गया. प्रॉपर कैंपस कंपेयर करो ना, कि अच्छा, ये पार्ट वैसे कट होगा बिल्कुल, ये पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है. क्यों, अबे मजे का है ना. अच्छा, डल H12 को और NBC को कंपेयर करो ना, बलूचिस्तान कैंपस को. हाँ चलो, बहुत जो आजकल वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, थोड़ी हम सीरियस बात कर लेते हैं. अच्छा भाई, सीन ऐसा है कि सबसे पहले जब आप दूर से आते हो, जैसे मैं पंजाब साइड से आया हूँ, ठीक है, और मैंने सारा वही वाला एनवायरमेंट देखा हुआ है. इसके अलावा बाकी जो भी लोग आते हैं, KPK से आते हैं या फिर कराची से आते हैं, सिंध वगैरह से आते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर ना एक वो चीज़ होती है कि यार कोयटा किधर, मतलब किधर बलूचिस्तान में कैंपस है, किधर कैंपस है, मतलब वही वही वाला एलिमेंट जो इसने भी कहा, इस्माइल ने कहा कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. तो हाँ, वो वाला फैक्टर हो सकता है, बट बाकी जो चीजें जिस तरह हम लोग सोचते हैं कि यार कोयटा में होगा तो पता नहीं कितना फजूल होगा और बैकवर्ड होगा, और वो चीजें बिल्कुल गांव में चल रही होंगी और तुम उतरोगे धमाके हो रहे होंगे और पूरी वॉर जोन में आप बैटलफील्ड के अंदर लैंड हुए हो, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है. बहुत मजा आता है, बहुत शुगल सीन होता है, बाकी सारे इक्विपमेंट बिल्कुल नया है, क्योंकि अच्छा यूनिवर्सिटी में आपको बता देता हूँ, NBC इस्टेब्लिश हुआ था 2019 में, फर्स्ट बैच इनका 2019 में स्टार्ट हुआ था, बट वो एक टेम्प्रेरी कैंपस था. अभी जो इनका न्यू कैंपस है और मेन कैंपस है NBC का, वो बिल्कुल शेख जैद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के साथ है, जो कि कैंट से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है. पहले हमारा टेम्प्रेरी कैंपस अंदर ही था, कैंट के अंदर ही था, और हमारा बॉयज़ हॉस्टल था, आर्मी का यूनिट था 50 SNT, वहाँ पे हमारा बॉयज़ हॉस्टल था. तो ये सीन था, जब तक हम कैंट में थे फुल अयाशी थी, फुल चिल सीन था हर लिहाज से, ठीक है. उसमें आप कह सकते हो कि इतना कोई खास चेक इन बैलेंस नहीं था, था बहुत ज्यादा था, नस की रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, मुझे मेन कैंपस का नहीं पता, लेकिन अपना 11 बजे के बाद बंद होती हैं. हाँ, तो हमारा फिर उस टाइम पे ये सीन नहीं था कि 11 बजे के आप बाहर नहीं निकल सकते, हम लोग निकलते थे, रात को भी निकलते थे, लेकिन टोटली सिक्योर इन्वायरमेंट था ना, आप आर्मी की यूनिट में थे, ये सीन था. अब हम लोग हैं कैंट से बाहर हैं और मेन कैंपस में शिफ्ट हो गए हैं, NBC के मेन कैंपस में, ठीक है, नस्ट के मेन कैंपस में नहीं. तो सीन ये है कि बिल्कुल नया कैंपस है और 2021 में ही स्टार्ट हुआ है ये जो मेन कैंपस है बलूचिस्तान वाला. तो उसका ये सीन है कि सारे इक्विपमेंट बिल्कुल नया है, लैब्स बिल्कुल नई है, बिल्कुल ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है. प्रोफेसर्स भी यार, देखो हर चीज परफेक्ट नहीं होती, कभी भी परफेक्ट हो नहीं सकती. प्रोफेसर से पढ़ता हूँ कौन है यार, आपने पढ़ना है नीजो अकेडमी से, हैरी से, वो जो क्या कहते हैं वो जेनी मैम से, ठीक है ना, सारा आपने उन्हीं से ही पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, यूडेमी से पढ़ना है, तो है. प्रोफेसर्स का तो अच्छा यार, मैं वैसे नहीं, बट स्टिल यार मैटर करता है ना कहीं पे, हाँ नहीं करता तो है, मैटर करता है, मतलब करता है. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम कह रहे हो ना कि NBC के प्रोफेसर इतने अच्छे नहीं है, मैं कहूँ प्रोफेसर सारे से नहीं, कुछ फैकल्टी बहुत अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है, हमारे MCS से भी आए हैं और इधर उधर से भी आए हैं, EME वगैरह से भी आए हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है. लेकिन मैं वैसे कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी फैकल्टी का आइडिया नहीं है, बट फैकल्टी बहुत अच्छी है, फैकल्टी काफी अच्छी है, लैब्स वगैरह सही है और सारे इक्विपमेंट नया है. हाँ, बाकी हमारा ये सीन होता है कि मुझे तुम लोग का सीन नहीं पता, बट हम लोग किसी को भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, स्ट्रेंथ तुम्हें पता है कम है, ठीक है. तो हमें ये एक पॉजिटिव एडवांटेज होता है, हम किसी प्रोफेसर से किसी भी टाइम मिल सकते हैं, HOD से अगर मिलना है दरवाजा नॉक करो घुस जाओ. अच्छा नहीं, हमें प्रॉपर पहले मेल्स वगैरह. अच्छा उसमें ये मैं बता दूं, ये जो है ना ये बलूचिस्तान में अपने बैच का रिप्रेजेंटेटिव है, मैं इधर सीख्स में अपने बैच का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो ये अब अपना वो बता रहा है, मुझे नहीं पता कि सबके लिए यही सीन होता है या नहीं, बट लाइक जब रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं ना तो ठीक है, वो तो हो जाता है, बट वैसे तो आपको प्रॉपर मेल करनी पड़ती है, अगर अपने सीनियर फैकल्टी से बात करनी है तो प्रॉपर मेल करोगे और फिर वो अपने सारे प्रोसीजर के थ्रू, वैसे कोई ना नहीं करता तुम्हें, तुम मेल करोगे वो अगले दिन कहेंगे ठीक है 10 बजे आ जाना, 10:15 आ जाना, तो वो इस तरह हो जाता है हमारे पास, कोई इशू नहीं होता.
कैंपस भी यार अब दोनों अच्छे हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दोनों में सेम है. अगर आपको लगता है कि ट्रेवल आपके लिए कोई इशू है तो फिर आप उसमें भी जा सकते हैं. आप इस्लामाबाद में और ऑप्शन अवेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको नस्क ही वो चाहिए कि आपने नस्क में ही एडमिशन लेना, तो फिर बलोचिस्तान कैंपस इज अ गुड कैंपस. और वो अभी तो नहीं लेकिन विद इन द नेक्स्ट 10-12 इयर्स वो मैं प्लान. नेक्स्ट फाइव इयर्स मेरा जो अंदाजा है ना, 5 इयर्स यार हो नहीं पाएगा. 5 में यार बहुत बेहतर हो चुका है अभी भी. अच्छा. अगर तुम बाकी चीजें कंपेयर करो, मैं तुम्हें पढ़ाई का बताऊं ना, अगर पढ़ाई बेस्ट है, ठीक है, अगर तुम पढ़ो, हम लोग खुद नहीं पढ़ते, वो हमारा मसला है, लेकिन पढ़ाई बहुत जबरदस्त है. मैं तुझे बता रहा हूँ, लैब्स वगैरह सब कुछ बहुत जबरदस्त है, इक्विपमेंट बिल्कुल नया है. और हमारा ये सीन होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, आर्डिनो हम लोगों ने जलाया था. आर्डिनो कितने का होता है और जितने का भी होता है, हमने वो चेक भी नहीं किया, ठीक है. सेकेंड सेमेस्टर में हमारा प्रोजेक्ट था, हम लोगों ने वेंडिंग मशीन बनाई और उसमें बनाई और अभी भी उस पर काम चल रहा है वैसे. तो सर ने हमें आर्डिनो दिया, उन्होंने कहा यार एक्सपेरिमेंट्स करो, और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करते करते वो जला दिया और उस पे सर ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा. वही ये क्वालिटीज हैं कि लाइक अगर आप काम करने वाले हो ना तो फिर आपको कोई रोकेगा नहीं. लेकिन आपने पहले प्रूव करने की भाई मैं काम करने वाला हूँ, मैं कर सकता हूँ, या तो फिर वो आपको मतलब बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगे. हाँ, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे और फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करते हैं. तो नस्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. बट अगेन मैंने कहा कि एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, नहीं होता एडमिशन तो साल जाया करना बेवकूफी है मेरे ख्याल से. एक यूनिवर्सिटी के पीछे मैंने जो साल जाया किया था वो मैंने एमकैट, लाइक घर वालों का शौक था कि मैं एमकैट करूं, मैं मेडिकल में जाऊं, लेकिन मेरा अपना शौक नहीं था ज्यादा, तो इसलिए मैंने एक साल जाया किया था. मैंने नस्क के लिए एक साल, मैंने नस्क का टेस्ट एक ही बार दिया है, मतलब एक ही उसमें दिया है. तो वो आपका हो गया, ठीक है. सो बस यार यही है. और बाकी आपने कुछ क्वेश्चन हो, बहुत लंबी वीडियो हो गई, पॉडकास्ट हो गया, तो आप नीचे कमेंट्स में बताएं अगर कोई इशू है तो फिर वहां भी इंशाल्लाह मैं आऊंगा. बिल्कुल. और बाकी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर. इंशाल्लाह नस्ट में मिलते हैं, ओरिएंटेशन में मिलते हैं. बिल्कुल, इंशाल्लाह. ओके जी, थैंक यू.